जेलपली म्यूनसिपालिटी बीआरएस प्रेसिडेंट इकबाल बिन खलीफा, जेलपली म्यूनसिपालिटी नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, बीआरएस काउंसलर सऊद अवलकी, मोहम्मद मजहर अली बाशमा और दीगर काउंसलर्स और बीआरएस लीडर्स ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क्यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मीडिया से बात करते हुए इकबाल बिन खलीफा ने कहा कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस लोकसभा इलेक्शन में चिवेल्ला पार्लियामेंट हल्के से रंजीत रेड्डी को कामयाब करें और सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत बनाएं। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर नवाब खान, नुमाइंदा काउंसलर कुंडल यादव, मोहम्मद गौस, सईद बिन हाजब, सादिक मोहम्मद और दीगर कांग्रेस पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे और उन्होंने बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वाले लीडर्स को मुबारकबाद देते हुए पार्टी में उनका खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इकबाल बिन खलीफा, जलपल्ली म्यूनसिपल बीआरएस पार्टी का प्रेसिडेंट था और काउंसलर भी था। आज हम लोग का कांग्रेस को इसलिए जो है ना हम सपोर्ट कर रहे हैं कि सेंटर का जो है ना इलेक्शन है ये एमपी का, इसलिए बोल के जो है ना हम लोग का पूरा यहाँ पर लोकल पार्टी में पूरा पूछ लिया। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के एरियो में पूरे वार्डों में जो है ना तकरीबन लोगों को पूछा तो सब लोग ये बोले कि जो ना कांग्रेस को सपोर्ट करने का है। एमएलए इलेक्शन में अपन जब करे जिसको करना था उनको अपन करे, सपोर्ट करे, उनको जिताए, मगर अब जो है ना इस वक्त में सेंटर का इलेक्शन है एमपी इलेक्शन के वास्ते बोल के हम जो है ना कांग्रेस को रंजीत रेड्डी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं सब जने मिलके। आज मेरे संगात जो है ना सात काउंसलर हैं जो सो पूरे मिलके जो है ना आज रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब के ने हमारे रंजीत रेड्डी डॉक्टर रंजीत रेड्डी एमपी साहब और हमारे केएल लाल साहब और तिगल कृष्णा रेड्डी साहब लेके गए के हमारे को जो है ना वहाँ पर खंडवा पिना है। उनसे हम रेवंत रेड्डी साहब को एक ही बात बोले सीएम साहब को कि जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो है ना हमारे को बजट के वास्ते जरा नज़र रखो और जो है ना बजट हमारे को दो। तो उन्होंने बोले इलेक्शन कोड है इंशाल्लाह, जो ना इलेक्शन कोड के बाद में इलेक्शन हो गया बाद में मैं जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को मैं बजट दूंगा, वहाँ पर काम भी करूँगा, तुम लोग जैसा हमारे को नहीं मिले वैसा जो है ना डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। हम डेवलपमेंट के ऊपर गए हम जो है ना यहाँ पर हमारे को हमारे एमएलए सबिता इंद्राणी भी काम नहीं करे बोल के हम नहीं बोल रहे, उन्होंने भी जो है ना 202 करोड़ के काम करे यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में। मगर अब जो है ना हमारे को भी हम पूरा हमारे कैडर को पूछे तो जो ना कैडर हमारा भी जो ना सब लोग कांग्रेस बोले तो हम जो ना कांग्रेस में इसलिए हम शमूलियत इख्तियार करें हम लोग का कि यहाँ पर जो है ना कहीं भी सेंटर का इलेक्शन है, सेंटर का इलेक्शन रहने से हम जो है ना यहाँ पर रंजीत रेड्डी साहब को हम लोग पूरे दिन सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जो है ना यहाँ से जितना हो सका यहाँ से अच्छी लीड दे के बताएंगे हम इधर कांग्रेस को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल से एक मेरे वाया बड़े सब्जन है, आज सात काउंसलर जो ज्वाइन हुए हमारे रंजीत रेड्डी के साहब के जानेब से हिदायत पे जो आज ज्वाइन हुए हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब के तरफ से उनके हाथों से हमारे कड़वा पन्ना छाई है। जो हम बीआरएस में थे इतने साल तो हम ये सोचे जो डेवलपिंग हो रहा जो 5 से 6 गारंटी जो अमल हो रही गरीब से गरीब एक करंट लाइट का भी लोन दो जो घर नहीं है सो वालों को घर दे रहे और बेवा औरतों को 5 से 6 हज़ार रुपये जो खाली है सो औरतों को अच्छे है सो उन लोगों को 2,500 रुपये दे रही गैस सिलेंडर 500 रुपये जो इससे पहले बीजेपी वाले जो 800 से 1,000 रुपये 110 रुपये पेट्रोल डीजल पे जो गरीब से गरीब आवाम को इतना बढ़ा के जो दे रही वो गवर्नमेंट को हम नहीं देख के हम जो गरीब से गरीब हमारे मेहनाटी एरिया है जलपल्ली म्यूनसिपल जो फ़ायदा हो रहा है तो उन लोगों को हम फायदा देना चाह रहे तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो हमारे साथ हमारे रंजीत रेड्डी साहब हमारे एमपी साहब के जानिब से हम भी टीआरएस में ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा गवर्नमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट जो इससे पहले दिए नहीं दिए वो छोड़ दो भाई, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ दिए नहीं दिए वो अलग बात है, मगर गरीब को जो फ़ायदा हो रहा तो और हमारे वार्डों में जो डेवलपिंग के काम भी हो रहे होते भी हम कांग्रेस के साथ है आवाम के साथ है जो डेवलप भी होते आवाम के साथ ज़रूर रहते हम
हम आज जाके हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल से हमारे सरदार साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब उनके साथ जाके 6 से 7 जने जाके काउंसलर आज ज्वाइन हुए कांग्रेस पार्टी में। अच्छी स्कीम है जो डेवलप इतने साल हुए, मगर इतने गरीब से गरीब जनों को बहुत अच्छे स्कीम है। हम इंशाल्लाह ताला बराबर ये जिताएंगे हमारे एमपी रंजीत रेड्डी साहब को। हम उनके आज गए, हमारे को वो प्रिफरेंस दिए। आज हमारे को मालूम हुआ कि हमारे पब्लिक को हमारे वार्डों में जो है जलपल्ली म्यूनसिपल में जो इतने जने हमारे साथ आए, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी है, मगर उन लोगों को भी मालूम होगा कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर रही, इंसाफ कर रही, तो इसलिए हम डेवलपिंग के साथ आए, डेवलपिंग के साथ बराबर काम करेंगे। हम गलत नहीं कर रहे, हमारे एरिया जलपल्ली म्यूनसिपल डेवलपिंग होना है तो गरीब से गरीब को भी स्कीमा मिलना चाहिए। जय रेवंत रेड्डी, जय सोनिया गांधी, जय तेलंगाना, जय रंजीत रेड्डी।